नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एमपी के मुरैना में जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। ऐसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, 2 दर्जन से अधिक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बीमार लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। पिछले साल लॉकडाउन के बीच 8 लोगों की मौत हो गई थी, और इसी बीच फिर से एक ये बड़ी खबर सामने आ गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मरने की खबर सामने आई है। वहीं 2 दर्जन से अधिक लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बीमार लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया है। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से घटना सामने आई है, ऐसे में प्रशासन पर बड़े सवाल उठ जाते हैं कि जहरीली शराब आखिरकार इलाके में बिक कैसे रही है। आपको बता दें कि कोई ये पहला मामला नहीं है जब मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई है। पिछले साल लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अवैध जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी, और अब 11 लोगों की मौत हुई है। ये बेहद बड़ी घटना हो जाती है। ऐसे में प्रशासन पर जो सवाल उठना है वो लाजमी हो जाते हैं कि आखिरकार प्रशासन की इतनी बड़ी चूक कैसे सामने आ रही है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। और ये आंकड़ा अभी भी और बढ़ सकता है, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से उनकी स्थिति खराब हो गई थी, जिनके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।